वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अब हम पौधों में डालने जा रहे हैं पानी। ये देखें, इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप काफ़ी हो रही है, सारे पौधे सूख रहे हैं। ये देखें मेरी भिंडी फिर से तैयार हो रही है। ये भिंडी हो गई, अब हमने पानी डाल दिया है पौधों को और अब हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल, फ्राई कटहल, और ये उसका इंग्रेडिएंट है 1 टीस्पून नमक और 2 छोटे छोटे टुकड़े अदरक और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 4-5 कली लहसुन और प्याज एक छोटा टुकड़ा और 4 मिर्च, और 1/2 कटा हुआ लेमन, और इसको अब हम, और ये रहा चावल। अब इसको हम ग्राइंड करने जा रहे हैं और अभी हम आपको दिखाते हैं हमें इसको कैसे बनाते हैं। अगर चाहें तो दही भी डाल सकते हैं लेमन की जगह। तो हमने आटा गूंध लिया है, अब हम बनाने जा रहे हैं रोटियां, गुब्बारे जैसी रोटियां, फूली फूली। ये हमने तवे पे रोटी डाल दी है, अब इसको हम पलट रहे हैं। दूसरी लोई हमने यहाँ पे रखी हुई है। ये देखें मेरी रोटी तैयार हो गई है और कटहल भी स्टीम हो गया है, अब इसको हम फ्राई करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ऑयल हो रहा है और हमने कटहल को इसमें 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दिया था, अब हम इसको ऑयल में डालने लगे हैं। ये देखें मेरा कटहल तैयार हो गया है, अब हम इसको निकालने जा रहे हैं। ये देखें, मेरा तैयार हो गया कटहल फ्राई, और ये है सॉस, टमाटर सॉस
भिंडी रोटी मायोनीज। जिस भाई बहन ने हमारे साथ नाश्ता करना है वो आके हमारे साथ कर सकता है। और अब हम वीडियो का एंड करने जा रहे हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।